पास सीआई आ गया तो डिफरेंस दोनों का निकाल लेंगे तो 97.20 ये हम लोग का डिफरेंस निकलता है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट होता है वो बढ़ जाता है अकॉर्डिंग टू सिंपल इंटरेस्ट। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, रणबीर बारोज 20,000 एट 12% पर एनम सीआई इफ ही रिपेज 8,400 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर एंड 9,680 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, फाइंड द अमाउंट ऑफ द लोन आउट स्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द थर्ड ईयर। अब आपको इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि 20,000 का वो लोन ले लेता है और 20,000 के लोन लेने के बाद एक साल बाद 8,400 रीपे कर देता है और दूसरे साल में 9,680 रीपे कर देता है। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए हमारे पास पी दे रखा है, पी फॉर फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर का पी दे रखा है यानी 20,000 और आर दे रखा है 12%। अब इसको जब हम लोग निकालेंगे, एसआई निकालेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 24,2400। अब 20,000 24,000 यानी 2,400 को जोड़ लिया जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 22,400। मनी रिफंडेड, अब पैसा कितना उसने माइन वापस कर दिया, पैसा उसने वापस कर दिया 8,400, दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 14,000 आ जाएगा। अब यही पैसा फिर से सेकेंड ईयर के लिए एसआई हो जाएगा, तो जैसे ही प्रिंसिपल हो जाएगा, जैसे ही हम ये प्रिंसिपल को रखेंगे हमारे पास ये आंसर आएगा। इसको और 14,000 को जोड़ दिया जाएगा तो 15,680 रुपये आ गया, ये फिर माइनस कर दिया जाएगा क्योंकि ये इतना पैसा फिर से उसको वापस किया जा रहा है। इतना पैसा जब वापस किया जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो पैसा बचेगा लोन आउट स्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द थर्ड ईयर, तीसरे साल का जो लोन उसको देना है वो इतना देना है। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसके बाद जो दूसरा अगला पार्ट है इसका, जो अगला टर्म है वो है फार्मूला फॉर द कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी तक आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप फार्मूले से कंपाउंड इंटरेस्ट को पता किया है, लेकिन अब डायरेक्ट फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे फार्मूला दिया है ए इज इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1+R/100 पावर n, ठीक है। अब ए यहाँ पर क्या है, ए यहाँ पर है आपका, ए है यहाँ पर फाइनल अमाउंट, पी इज़ द प्रिंसिपल, आर इज़ द रेट रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली एनुअली एंड एन इज़ द नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। ये पार्ट हो गए, आप लोग को समझ में आ गया। ए क्या है, अमाउंट है, पी है प्रिंसिपल, आर है रेट, एन है टाइम, ठीक है। अब डायरेक्टली अगर हमें सीआई की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास दे रखा है, ये हम सभी जानते हैं। ए माइनस पी, पी की जगह ए की जगह पर हमने ये वाली वैल्यू रख दी और इसमें से पी कॉमन ले लिया तो ये आंसर आ गया डायरेक्ट सीआई निकालने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब हम लोग करेंगे क्या, डायरेक्ट फार्मूले से क्वेश्चन को निकालना सीखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूले का हम कैसे यूज़ करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ और भी टर्म्स हैं जिनको हम यूज़ करेंगे, जैसे इन सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट रिमेंबर ऑफ द फॉलोइंग। ये तो पहला फार्मूला जो भी हमने पीछे बताया था आप लोगों को, अभी इसके पहले जो सेशन में बताया था वो ये था। लेकिन अगर हमारे पास सक्सेसिव इंटरेस्ट दे रखा हो, पीरियड्स दे रखे हों, फिक्स पीरियड जैसे R1, R2, R3 हमारे पास क्या दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, तब इसके लिए इस फार्मूले के यूज़ करेंगे। ये फर्स्ट ईयर के लिए, ये सेकेंड ईयर के लिए, ये थर्ड ईयर के लिए। इतना समझ में आ गया सभी को, क्योंकि ये फार्मूला हम तब यूज़ करते हैं जब सक्सेसिव इंटरवल ऑफ द रेट्स दे रखे हों। अब जो दूसरा पार्ट है वो है सी आई एंड एस आई आर इक्वल फॉर फर्स्ट कन्वर्जन पीरियड, यानी पहले साल के लिए जो सी आई निकलता है और एस आई निकलता है दोनों ही सेम रहते हैं। अब इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है वो ये, क्या व्हेन द टोटल टाइम इज़ नॉट कंप्लीट नंबर ऑफ द कन्वर्जन पीरियड वी कंसीडर सिंपल इंटरेस्ट फॉर द लास्ट पीरियड, लास्ट पार्शियल पीरियड। फॉर एग्जांपल इफ़ द टाइम, अगर आपके पास टाइम दिया है 2 साल 5 महीने 2 ईयर्स 5 मंथ, तो देखिए 2 साल के लिए तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे,
फाइव मंथ के लिए क्या करेंगे, 5.12। 5.12 क्यों करेंगे, 5.12 इसलिए करेंगे ताकि हमें एक साल में 12 महीने होते हैं उसको हम ईयर में बना लेंगे, फिर रेट से मल्टीप्लाई करके 100 कर देंगे। ये उस कंडीशन में लगता है जब हमारे पास इस तरीके के नंबर्स दिए हों, इस तरीके के ईयर्स दिए हों, तब ये फार्मूला यूज़ किया जाएगा। ये फार्मूला आपका भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। आते हैं इनके क्वेश्चंस कैसे किए जाएंगे, ये फार्मूला अभी हमने बताया था। इस फार्मूले के बाद पहला क्वेश्चन इस पे है कि फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 16,000 फॉर टू ईयर 15% इंटरेस्ट बीइंग पेएबल एनुअली यूजिंग फार्मूला कर लेंगे। फार्मूला हम लोग यही वाला यूज़ कर रहे हैं जिसमें ये पी है, ये आर है, ये एन है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद इसका जो आंसर आएगा 21160, ठीक है, इतना अमाउंट डायरेक्टली आ गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम इसको माइनस कर देंगे और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट दिस, यानी कि 3704.40 इन 3 ईयर एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसमें अमाउंट की वैल्यू दे रखी थी, जब अमाउंट की वैल्यू दे रखी थी तो हमने क्या किया, हमें पी की वैल्यू निकालनी है, बाकी सब कुछ दे रखा है, बाकी सब कुछ आपको दे रखा है, यहाँ पर हमने वैल्यू रख दी। और ये सिंप्लीफाई जब करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ से पॉइंट हटा देंगे, 100 नीचे आ जाएगा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया जाएगा और 3 बार इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। पी निकालने के लिए सब उधर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और लास्ट में इसका आंसर आ जाएगा 3200, ये आपका आंसर आ जाएगा और ये फाइनल प्रिंसिपल हो जाएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है उसमें आपको रेट फाइंड करना है, रेट एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट विल 5000 अमाउंट 5830 इन 2 ईयर्स, 2 साल में ये निकालना है। तो a इज इक्वल टू p 1+r/100n, सारी वैल्यू रख दी गई। इस 5000 को नीचे ले जाएंगे, इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद इसका स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर के टर्म में आना चाहिए। इसको सिंप्लीफाई इस तरह से किया जाएगा और r की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग दोनों तरफ के स्क्वायर को हटा दिया जाएगा, 1 उधर चला जाएगा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी 8%। ये r की वैल्यू आ गई, इज़ इट क्लियर, यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, सम कंपाउंडेड एनुअली बिकम्स 25/16 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 2 ईयर, डिटरमाइन द रेट ऑफ द इंटरेस्ट पर एनम। अब इसमें हमने क्या किया, p की वैल्यू x मान ली, यानी कि जो हमारे पास प्रिंसिपल था वो x हो गया, अमाउंट 25/16 टाइम्स हो जाता है, कितने साल में, 2 साल में, ठीक। तो इसके बाद क्या किया गया है, इसके बाद आपको फार्मूले से r की वैल्यू, आपको कह रहा है r की वैल्यू निकालनी है यूजिंग फार्मूला, a की वैल्यू रख दी जाएगी, p की वैल्यू x मानी थी वो रख दी जाएगी, x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से जो स्क्वायर है उसका रूट निकाल लेंगे, रूट हटे, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ रूट आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे, माइनस कर देंगे तो आंसर ये हमारे पास 25% आ जाएगा। तो यहाँ तक आपका कंपाउंड इंटरेस्ट था पूरा और ये आपका कंप्लीट हो चुका है।